पूरे देश में हमले करने वाले व कई हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़ने वाले मुस्लिम शासक क्यों सम्मेद शिखर जी को छू तक नहीं पाए? पारसनाथ का वह कौन सा चमत्कार था जिससे कट्टर मुस्लिम एवं क्रूर शासक औरंगजेब तक थर थर कांपने लगा? जानेंगे सम्मेद शिखर के बारे में वह सब कुछ जो आज भी छिपा हुआ और अनछुआ है। तो शुरुआत करते हैं मुगल काल में सम्मेद शिखर के इतिहास को। बात है सन 1592 की। मुगल काल का समय था। मांसाहार के लिए हिंसा और शिकार अपने चरम पर था। यहाँ तक कि अब इसकी पहुँच पवित्र वंदनीय जैन तीर्थ सम्मेद शिखर तक हो गई थी। अहिंसा प्रेमी जैन समाज के लिए यह एक गंभीर चिंता के साथ दुखदायी तक हो चला था। उस काल में कोई लोकतंत्र तो था नहीं कि आप हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर आंदोलन खड़ा कर दो। हाँ, लेकिन बात उस समय भी सुनी जाती थी। चूँकि सम्मेद शिखर जी पालगंज राज्य के अंतर्गत आता था जो कि मुगल सल्तनत के अधीन था, अतः जैन समाज के लोगों ने समस्या के समाधान हेतु अपने अपने गुरुओं से मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात की विनती की। जगत गुरु आचार्य हरि विजय सुरीश्वर जी महाराज के नेतृत्व में समाज ने शक पकाते हुए अपनी बात बादशाह के सामने रखी और बादशाह को बताया कि अहिंसा का जैनियों के लिए क्या महत्व है। फिर भी लोगों को लगा कि कोई मुस्लिम शासक क्या हिंसा रुकवाएगा। आप आश्चर्य करेंगे, अकबर ने सन 1500 ईस्वी में स्वयं द्वारा स्थापित दीन ए इलाही धर्म में कुछ जैन धर्म के मूल तत्वों को भी सम्मिलित किया था। इन सब के प्रभाव से शिखर जी तो क्या, बादशाह ने एक फरमान जारी कर गिरनार जी, तारंगा जी, पाली ताना जी, केसरिया जी के साथ ही और भी कई जैन तीर्थ स्थलों पर शिकार को तत्काल प्रभाव से पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया। तो साथियों, पारसनाथ की भूमि सम्मेद शिखर पर सदियों से उपसर्ग होते हुए आए हैं और वो आज भी जारी है। चाहे कितने ही कमट आ जाए किंतु पारसनाथ के निर्वाण स्थल और उसकी पवित्रता को कोई हिला नहीं सकता है। अब शिकार पर प्रतिबंध लग चुका था और जैन धर्मावलंबी बड़ी उत्सुकता से शिखर जी के दर्शनार्थ जाने लगे और सन 1613 ईस्वी में तो 75 श्वेतांबर एवं 46 दिगंबर साधुओं के साथ हजारों जैन यात्रियों के संग ने एक साथ शिखर जी की यात्रा की, जो आज तक स्वयं में एक इतिहास है। साथ ही यह जहांगीर एवं शाहजहां के काल में बेरोक टोक सम्मेद शिखर तीर्थ यात्रा को दर्शाता है। और तत्पश्चात सन 1658 में दिल्ली सल्तनत पर औरंगजेब के शासन की शुरुआत होती है। विशुद्ध धार्मिक और धर्मपरायण हिंदू जैन लोगों के लिए थरथरा देने वाला काल। गैर मुस्लिमों के लिए जजिया कर तो अभिशाप था ही, अब तीर्थ यात्रा कर उन्हें पवित्र स्थलों की यात्रा से भी रोक रहा था। अब धीरे धीरे जैन यात्रियों द्वारा सम्मेद शिखर की यात्रा न के बराबर होने लगी। सारा जैन समाज भयभीत और चिंतित था। कई हिंदू और जैन मंदिर ध्वस्त किए जा चुके थे। लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव था। कई मूर्तियों को खंडित व नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, किंतु पारसनाथ तो पारसनाथ है। कब तक वह अपने भक्तों की भक्ति से रिक्त रह सकता था? और हुआ फिर पारसनाथ का चमत्कार। एक किंवदंती के अनुसार
औरंगजेब को एक रात सपना आया जिसमें पारसनाथ भगवान के चमकते हुए चरण प्रकट हुए और पीछे से एक ध्वनि खिली, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। और जब उसकी नींद खुली तो वो पसीने में तरबतर व घबराया हुआ था। आनन फानन में अगले दिन उसने दरबार बुलाया और सन 1698 ईस्वी में औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने स्वयं ही शिखर जी की यात्रा को जैन तीर्थ यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रा कर से कर मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा व भक्ति सच्ची हो तो विभिन्न रूपों में किसी ना किसी दिव्य शक्ति के चमत्कार सदियों से होते हुए आए हैं और शायद यह उसी का एक रूप था।